नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HPSSC का प्रीवियस ईयर। इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मुझे काफ़ी मैसेज भी आए हैं और काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं कि गिरिराज की जो पत्रिका है वो कब डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से डिस्कस नहीं की गई है। तो गिरिराज पत्रिका की बात करें जनवरी महीने का, उसका हमने ये पहला पार्ट जो था वो काफ़ी टाइम पहले डिस्कस कर लिया था और बाकी के जो जनवरी महीने के 3 पार्ट बचते हैं उनको हम एक ही वीडियो में कंपाइल करके जो है डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। कल आपको वो वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी, तो उसके लिए जो है आप ज़्यादा टेंशन मत लें क्योंकि हिमाचल का करंट अफेयर वहाँ से आपका डेफिनेटली कवर हो जाएगा, सारा का सारा जो भी हिमाचल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है वो आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 7 से। यहाँ पर पूछा गया है पांगी वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पांगी वैली कहाँ पर स्थित है? पांगी घाटी जो है वो चंबा में स्थित है। ठीक है, पांगी चंबा में स्थित है। पांगी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पांगी के हेडक्वार्टर की बात करें कि पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किलाड़ में स्थित है। किलाड़ याद रखिएगा, किलाड़ में स्थित है। अच्छा, ये तो पांगी के बारे में हो गया, चंबा वैली के बारे में हो गया। चंबा वैली का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट घाटियाँ रिवाइज कर लीजिए। बलह वैली कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है बलह वैली। कियाजदून घाटी कहाँ पर स्थित है? कियाजदून घाटी सिरमौर में स्थित है, इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बब्बर घाटी को रोहडू घाटी भी कहा जाता है। अगर बात करें सांगला घाटी की तो सांगला घाटी जो है किन्नौर में स्थित है। सुवांग घाटी पूछा जाता है, सुवांग घाटी कहाँ पर स्थित है? ऊना में स्थित है सुवांग घाटी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट घाटियाँ याद रखिएगा जो मोस्टली एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है नदौन सब डिवीजन इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नदौन सब डिवीजन जो है ये 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमीरपुर में स्थित है नदौन सब डिवीजन। अब ये हमीरपुर में स्थित है, एक तो नदौन का पूछा जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का पूछा जाता है सब डिवीजन और एक डिस्ट्रिक्ट मंडी का पूछा जाता है। ये अभी तक पूछे जा चुके हैं तो इनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहले तो आप हमीरपुर के ही सब डिवीजन जान लीजिए, एक यहाँ पर नदौन है, एक यहाँ पर भोरंज सब डिवीजन आता है, यहाँ पर बड़सर सब डिवीजन आता है, यहाँ पर सुजानपुर सब डिवीजन आता है। ये हो गए नदौन के। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं? एक बंजार सब डिवीजन पूछा गया था, बंजार सब डिवीजन कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कुल्लू में। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि सैंज जो है वो कहाँ की सब तहसील है, तो सैंज जो है वो कुल्लू में सब तहसील है, ये भी ध्यान रखिएगा। मंडी की बात करें तो मंडी का एक तो एग्जाम में पूछा गया था मंडी का पद्धर सब डिवीजन, पद्धर कहाँ पर है? पद्धर जो है वो मंडी में एक सब डिवीजन है। और मंडी का पूछा गया जोगिंद्रनगर, ये सभी को पता है मंडी में स्थित है। बलह घाटी, बलह घाटी भी है और बलह सब डिवीज़न भी है, ये ध्यान रखिएगा। बलह तहसील भी है, तो ये कहाँ पर है? मंडी में स्थित है। एक राजगढ़ सब डिवीज़न भी है, तो राजगढ़ सब डिवीज़न कहाँ पर पड़ता है? ये सिरमौर में पड़ता है, राजगढ़ सब डिवीज़न सिरमौर में पड़ता है। डोडरा कवार सब डिवीज़न कहाँ पर पड़ता है? ये शिमला में पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो मलाना में पाई जाती है, मलाना ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मलाना डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, यहाँ पर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो पाई जाती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मलाना किसकी सहायक नदी है, तो मलाना जो है वो ब्यास में जाकर आगे मिलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मलाना 2 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, मलाना 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो है ये कौन इसको एग्जीक्यूट करता है? मलाना 2 परियोजना को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये परियोजना जो है वो 100 मेगावाट की परियोजना है। कितने? 100 मेगावाट की परियोजना है। तो ये आप याद रखिएगा मलाना परियोजना के बारे में, मलाना सेकंड परियोजना के बारे में, मलाना सेकंड परियोजना, मलाना नदी, मलाना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इन सभी के बारे में। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जो शहरी बस्ती है वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी शहरी बस्ती को कही जाती है वो कौन सी कही जाती है? शिमला को कहा जाता है सबसे बड़ी शहरी बस्ती। ऑप्शन बी जो है वो सही, ऑप्शन डी शिमला जो है वो सही आंसर हो गया। कई बार देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे अधिक जो शहरी पॉपुलेशन है वो कहाँ पर स्थित है, तो सबसे ज़्यादा जो शहरी पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही स्थित है। शिमला में ही जो है सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है। और जहाँ ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बिल्कुल भी शहरी पॉपुलेशन नहीं है? तो लाहौल स्पीति में जो है वो बिल्कुल भी शहरी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से याद रखनी है अर्बन पॉपुलेशन के बारे में। और कई बार पॉपुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो एग्जैक्टली पूछा जाता है 68,64,602 जो है आपको याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश के पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार।
और सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है, 15,10,075 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है, सबसे कम पॉपुलेशन लाहौल स्पीति की है, 31,564 जो है यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, ये पॉपुलेशन के बारे में बेसिक डाटा है। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो किन्नौर जिले का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए किन्नौर जिले की हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, रिकांगपियो में स्थित है किन्नौर का हेडक्वार्टर। रिकांगपियो जो है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बात करें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, देखिए डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, पहले उन फेस्टिवल्स के बारे में याद रखिए। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का कोई ऐसा फेस्टिवल जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो है फुल्लैच त्यौहार। फुल्लैच त्यौहार डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लगता है। खेपा एक प्रीमेटिव सोसाइटी फेस्टिवल है, ये कहाँ पर लगता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लगता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की रोपा वैली में जो है ये फेस्टिवल लगता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में नाको झील भी स्थित है, नाको झील डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो कौन सी नदी बहती है मुख्य रूप से, देखो वैसे तो बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, परंतु मुख्य रूप से नदी सतलुज यहाँ पर बहती है। सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर एंटर करती है, सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश में सिपकी नामक स्थान पर एंटर कर जाती है, ये ध्यान रखना है। और बात डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में और भी क्वेश्चंस की करें, तो एक ही वीडियो में जो बिलोकरा किताब का पार्ट 8 हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में सारे क्वेश्चन जान लिए थे, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी है। आगे पूछा गया है ऑन विच रिवर इज सिचुएटेड ऑन द टाउन ऑफ चंबा, तो यहाँ पर बोलने का मतलब यह है कि चंबा नगर जो है वो किस नदी पर स्थित है, या फिर किस नदी के किनारे स्थित है। चंबा नगर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। चंबा रावी नदी के किनारे स्थित है, सभी को पता है आपको, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है। चंबा शहर की बात करें, तो चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा साहिल वर्मन ने की थी, एक दिन गलती से मैंने अजवर सेन बोल दिया, तो अजवर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी। इन चीज़ों में कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि कई बार टंग स्लिप हो जाती है, तो गलती से चीज़ें आगे पीछे बोल दी जाती हैं। चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने की थी, और चंबा रियासत के जो लास्ट शासक थे वो कौन थे, वो थे राजा लक्ष्मण दास भी इनको कहीं पर लिखा गया है, राजा लक्ष्मण सिंह भी इनको कहीं पर लिखा गया, तो राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो यहाँ के अंतिम राजा थे। भूरी सिंह म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, इस म्यूजियम की स्थापना 1908 में की गई थी। चंबा शहर जो था वो लॉर्ड मेयो के द्वारा कब विजिट किया गया था, तो 1871 में जो था वो चंबा की जो विजिट थी वो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1871 में की गई थी। चंबा के एक राजा थे राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह के द्वारा जो था वो एक बार्बर को अपना वजीर बना लिया गया था, एक बार्बर को वजीर बना लिया गया था, क्योंकि बार्बर की बेटी के साथ जो था वो उदय सिंह को प्यार हो गया था। चंबा में एक भेड़ प्रजनन फार्म भी स्थित है, ये जो भेड़ प्रजनन फार्म डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के सरोल में ये स्थित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में हो गए, बेसिक बेसिक से ही थे, तो इन क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 13 क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछते हैं गेटी थिएटर वॉज ओपन इन शिमला बाई ब्रिटिश इन विच ईयर, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो था वो गेटी थिएटर शिमला में खोला गया था, कब खोला गया था, ये 1887 में खोला गया था, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1887 में जो था वो गेटी थिएटर डिस्ट्रिक्ट शिमला में खोला गया था। इसमें जो पहला जो प्ले हुआ था यहाँ पर कौन सा हुआ था, वो होता टाइम विल टेल, टाइम विल टेल जो था यहाँ पर सबसे पहला प्ले जो था वो हुआ था। डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही एक बिल्डिंग है जहाँ पर एओ ह्यूम, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, उनके मन में ये विचार आया था कि क्योंकि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कोई बनाई जाए, तो रॉटनिंग कैसल बिल्डिंग है यहाँ पर, एक रॉटनिंग कैसल बिल्डिंग, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एओ ह्यूम के मन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। वाइस रैगल लॉजे के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जो है वो क्या कहा जाता है वाइस रैगल लॉजे को, तो इसको जो है वो एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी इसको प्रेजेंटली कहा जाता है। ये जो था ये बिल्डिंग जो था वो हेनरी इरविन के द्वारा डिज़ाइन की गई थी, और इसको जो था 1960 के आसपास जो था वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंड ओवर कर दिया गया था। पीटर ऑफ कहाँ पर है, पीटर ऑफ जो है वो चौड़ा मैदान में स्थित है, यहाँ पर पंजाब का हाई कोर्ट भी रह चुका है, शिमला के चौड़ा मैदान में ही स्थित है पीटर ऑफ, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में जान लिया। आगे पूछते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर इज, तो नूरपुर का पुराना नाम क्या है, धमेरी जो है वो नूरपुर का पुराना नाम है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा, धमेरी नूरपुर का पुराना नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें नूरपुर की स्थापना किसने की थी, राजा जेठपाल के द्वारा नूरपुर की स्थापना की गई थी। कुछ दिन पहले ही मैंने नूरपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाए थे, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपको फिर से वो याद हो जाए। देखो नूरपुर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा जसपाल, ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे।
नूरपुर के एक राजा हुआ करते थे सिकंदर लोधी। सिकंदर नूरपुर के एक राजा थे भीमपाल, तो भीमपाल जो था वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। जब जहांगीर के दौरान जो था वो नूरपुर विजिट किया गया था, तो उस टाइम यहाँ के राजा राजा जगत सिंह होते थे, और राजा जगत सिंह ने ही जो था वो नूरपुर का नाम जो था वो नूरपुर रखा था। धमेरी पहले इसका पुराना नाम होता था, नूरपुर क्यों इन्होंने पुराना नाम रखा था, जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहाँ, तो नूरजहाँ के सम्मान में ही जो था ये रखा गया था नूरपुर का नाम, धमेरी से बदलकर नूरपुर नाम। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नूरपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो नूरपुर रियासत जो थी इसका अंतिम राजा था राजा वीर सिंह। राजा वीर सिंह के बारे में याद रखिएगा, ये अंतिम राजा हुआ करता था यहाँ का। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नूरपुर के बारे में जान लिए, इनको ध्यान रखिएगा। आगे पूछते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी? अभी जो कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था क्लरिकल का, शायद उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर रामकरण सिंह। डॉक्टर रामकरण सिंह जो था ये इसका सही आंसर है। ये पहले वाइस चांसलर थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1970 में जो था इसकी स्थापना हुई थी, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी स्थित है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में की गई थी, ये नौणी में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय जिसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, ये पालमपुर में स्थित है। 1978 की में जो था इसकी स्थापना की गई थी। ये दो क्वेश्चन तो पता चले आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि NIT जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? देखो NIT के बारे में जानिए कि पहले इसका नाम होता था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज REC इसको कहते थे। तो इसकी स्थापना की गई थी REC की 1986 में। फिर REC से इसका नाम बदलकर NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2002 में रखा गया था, ये पता होना चाहिए आपको। अगर बात करें हम NC मेहता की कि NC मेहता कौन थे, तो NC मेहता जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। बात करें एस चक्रवर्ती की, तो एस चक्रवर्ती कौन थे? एस चक्रवर्ती जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे। तो ये आप इन ऑप्शंस के बारे में भी जान लीजिए जो ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्टिंग में रह गए थे, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन, इनको भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं हिमाचल डे कब मनाया जाता है? देखो हिमाचल डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी क्लरिकल के एग्जाम में अभी पूछा गया था। देखो दो क्वेश्चन तो इसी पेपर से जो है वो क्लरिकल के एग्जाम में रिपीट हो गए हैं, तो इस तरह से ना रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, कई बार टफ हो जाते हैं, कई बार आसान हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 15 अप्रैल 1948 को जो था इसका गठन किया गया था। 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया, और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? इसको जो था वो 1971 में 25 जनवरी 1971 को जो था इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और ये भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश भी रह चुका है, यानी कि यूनियन टेरिटरी भी ये रह चुका है। तो 1956 में जो था ये यूनियन टेरिटरी बना था। 1956 से लेकर 1971 तक जो था ये क्या रहा? ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो गए। हिमाचल डे कब मनाया जाता है ये आपको पता चल गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। आगे पूछते हैं कोटधार इन इज लोकेटेड कोट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कोटधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कोटधार की बात करें, कोटधार जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए जो है उसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किया जहाँ पर हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीट डिस्कस किया था, ब्लोखरा किताब का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, वहाँ पर कोटधार के बारे में डिस्कस हुआ। ये कोटधार कहाँ पर है? बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में और कौन सी धार स्थित है? बिलासपुर में धार झंझियार स्थित है। बिलासपुर में जो है वो बहादुरपुर पहाड़ी स्थित है। बहादुरपुर धार कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। रतनपुर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? रतनपुर धार भी है, रतनपुर धार जो है वो बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर के बारे में याद रखिए कि बिलासपुर शहर की स्थापना जो था वो राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी, और बिलासपुर का जो प्राचीन नाम है वो कहलूर बिलासपुर का प्राचीन नाम होता था। कहलूर इसका प्राचीन नाम है। बिलासपुर शहर की स्थापना जो था वो राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। बिलासपुर जो है वो पार्ट C स्टेट रह चुका है। तो बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? बिलासपुर का विलय जो था वो हिमाचल प्रदेश में 1954 को हुआ था। 1954 को ये हिमाचल प्रदेश में मिल गया था। बिलासपुर के कौन से राजा अकबर के समकालीन थे? तो बिलासपुर के राजा थे ज्ञान चंद, जो अकबर के समकालीन थे। बिलासपुर के एक ऐसे भी राजा थे जिनका कार्यकाल जो है वो सबसे डार्केस्ट माना जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में। तो बिलासपुर के राजा राजा खड़ग चंद थे जिनका कार्यकाल जो है सबसे डार्केस्ट माना जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम बिलासपुर के कौन राजा थे? तो उस टाइम बिलासपुर के राजा थे हीराचंद। क्या बिलासपुर ने उस टाइम अंग्रेजों की सहायता की? तो हाँ, बिलासपुर ने उस टाइम जो था वो अंग्रेजों की सहायता की थी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि बिलासपुर में हुआ था झुग्गा आंदोलन थी,
ये जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था, ये कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए जुग्गा आंदोलन के बारे में। और रही बात इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की, इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती है। टेलीग्राम का इस तरह से सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएँ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। ये क्वेश्चंस आप वहाँ पर क्विज़ के रूप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।